नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहर। पाकिस्तान में ईश निंदा की केवल एक ही सजा है, सजाए मौत। और यही तालिबानी सजा की मांग अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और सेकुलर देश हिंदुस्तान में की जा रही है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में बयान देने वाली नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा था उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली थी। इसके अलावा बीजेपी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भारत में कट्टरपंथी मुसलमानों का एक समूह है जो नुपुर शर्मा को फांसी पर लटकाना चाहता है। इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए करके। वरना अगर इसका अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है, इस वजह से सिर्फ पार्टी से निकालना ये कार्रवाई है। ये बोल है देश की संसद में बैठने वाले ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील की, जो नुपुर शर्मा को फांसी पर लटकाए जाने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में भी नुपुर शर्मा के पुतले को फांसी के फंदे पर लटकाकर कुछ इसी तरह की मानसिकता दर्शाई गई थी। और पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी को अंजाम दिया गया था। इन हरकतों को अंजाम देने वालों को देश के दिग्गज पत्रकार कमर वहीद नकवी ने कुछ बड़ी नसीहतें दी हैं, जिसे उन्हें एक बार जरूर सुननी और समझनी चाहिए। देश से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने इस बार नुपुर शर्मा के बयान की वजह से देश में हुई हिंसा और आगजनी पर अपनी बात रखी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कमर वहीद नकवी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सरकार से लेकर विरोधियों तक को आड़े हाथों लिया। साथ ही अपनी बातें रखते हुए शुरू में ही सलाह भी दे डाली कि इसे पूरा पढ़ें। नुपुर शर्मा विवाद पर कमर वहीद नकवी की बात। नुपुर शर्मा टिप्पणी विवाद पर भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग दो हफ्ते से जो गुस्सा जता रहा है वो बिल्कुल बेतुका और राजनीतिक नासमझी का सबूत है। उनका गुस्सा इतने दिनों बाद क्यों भड़का? क्या उनके पास इस सवाल का कोई तार्किक जवाब है? जाहिर है कि व्यापक अरब प्रतिक्रिया के बाद भारतीय मुसलमानों के इस वर्ग को लगा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। मैंने अपने पिछले ट्वीट में कहा था कि अरब प्रतिक्रिया पर हड़बड़ी में कदम उठाकर बीजेपी भारतीय मुसलमानों को गलत संकेत दे रही है, और वही हुआ भी। हालांकि अरब प्रतिक्रिया के बाद मोदी सरकार के पास ऐसा कदम उठाने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था। सरकार ने यही कदम पहले उठा लिया होता तो मामला बढ़ता ही नहीं। सरकार की तरफ से यह बड़ी गलती हुई और अब इस मामले में देर से प्रदर्शन कर भारतीय मुसलमान जवाबी गलती कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद के बारे में बयान देने के बाद नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन तो हुआ ही, साथ ही कुछ कट्टरपंथी मुसलमान उन्हें धमकियां भी देने लगे। ऐसे लोगों को लताड़ते हुए पत्रकार कमर वहीद नकवी ने लिखा, वो कौन लोग हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को धमकियां दी और क्यों? जुमे की नमाज के बाद कई हिस्सों में क्यों हिंसा की गई? ऐसा करके इन लोगों ने उस व्यापक भारतीय जनमत की अवहेलना की है जो इस मामले में पूरी एकजुटता से उनके साथ खड़ा था। भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग यदि यही सोचता है कि अरब समर्थन से उसका सीना चौड़ा हो गया है तो यही निरी मूर्खता है। भारतीय मुसलमानों का हित केवल और केवल इस बात में है और रहेगा कि व्यापक भारतीय जनमत का समर्थन उसके साथ रहे। यह बात समझनी ही पड़ेगी। ये बात तो आप जानते ही हैं कि देश के ज़्यादातर मुसलमान उलेमा या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों के इशारे पर चलते हैं, लेकिन कमर वहीद नकवी नहीं चाहते कि देश के मुसलमानों का नेतृत्व इस तरह के धार्मिक संगठन करे। यही वजह है कि इसका विरोध जताते हुए कमर वहीद नकवी ने लिखा, मैं इस बात का सख्त विरोधी हूं कि भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व उलेमा या पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे किसी धार्मिक संगठन के हाथ में है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि धार्मिक नेतृत्व किसी समाज को प्रगति के रास्ते पर ले ही नहीं जा सकता।
क्योंकि ऐसा नेतृत्व अनिवार्य रूप से रूढ़िवादी होता है। दूसरा कारण यह है कि आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों के इस धार्मिक नेतृत्व ने लगातार साबित किया है कि उनमें रत्ती भर भी राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता नहीं है। शाहबानो विवाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाबरी मस्जिद समेत तमाम मुद्दों पर यह राजनीतिक नासमझी खुलकर सामने आ चुकी है। इस नेतृत्व ने भारतीय मुसलमानों को धार्मिक आवेश के हवाई गुब्बारे में फुलाकर जमीनी सच्चाई से उनका मुंह मोड़ दिया। वो प्रगति के मोर्चे पर तो पिछड़े ही, उनकी सोच और छवि पर भी बुरा असर पड़ा। दूसरे, इस नेतृत्व की लफबाजियों से संघ का समर्थन लगातार बढ़ा, उसे नए तर्क मिले। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को भी देश के वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने जमकर आड़े हाथों लिया और सीधे सपाट शब्दों में कह दिया कि ये पार्टियां कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसके लिए उन्होंने तीन वजह बताते हुए कहा, ओवैसी समेत कुछ कोशिशें मुसलमानों की अपनी राजनीतिक ताकत खड़ी करने की भी हुई, लेकिन सभी नाकाम हुई और आगे भी होंगी। तीन कारण हैं। पहला कारण, उन्होंने हमेशा मुसलमानों के धार्मिक नेतृत्व के एजेंडे को ही आगे बढ़ाया, उसे बदलने की कोई कोशिश कभी की ही नहीं। दूसरा कारण, केवल मुसलमानों के बयान पर बनी पार्टी को व्यापक भारतीय जनमत का समर्थन कभी मिल ही नहीं सकता, तो वोट की राजनीति में ऐसी पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा ऐसे नेता जोशीले नारे और भड़काऊ भाषण देकर सभाओं में तालियां बजवा सकते हैं। तीसरा कारण, फिर ऐसी कोई भी पार्टी अंततः जिन्ना सिंड्रोम को जन्म देकर हिंदुत्ववादी ताकतों को हिंदुओं में असुरक्षा की भावना भड़काए रखने के लिए नए तर्क देती हैं। जाहिर है, इससे मुसलमानों का कभी कोई भला नहीं हो सकता। इसका राजनीतिक लाभ हमेशा हिंदुत्ववादी ताकतों को ही मिलता है। मुसलमानों का सबसे बड़ा संकट यही है कि उनके पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो उन्हें धार्मिक कटघरे से निकालकर उनमें नई सोच जगाकर लोकतंत्र में अपना जायज हिस्सा पाने के लिए उन्हें रास्ता दिखा सके। अपने एजेंडे के हिसाब से मुंह खोलने वाले सो कॉल्ड सेकुलरों को भी वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने जमकर आड़े हाथों लिया और उन पर सिलेक्टिव मुद्दों पर विरोध करने का आरोप लगा दिया। अपने ट्वीट में वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने लिखा, तथाकथित सेकुलर दलों ने भी मुसलमानों का हमेशा नुकसान ही किया है, क्योंकि वो मुस्लिम नेतृत्व की नासमझियों की आलोचना कर उन्हें सही रास्ता दिखाने के बजाय चुप रहे। सेकुलर चिंतकों ने हिंदू साम्प्रदायिकता वाद की तो खुलकर आलोचना की, लेकिन मुसलमानों के ऐसे कदमों पर बोलने से बचते रहे जब उन्हें बोलना चाहिए था, क्योंकि इससे उनके उदारवादी लेबल को नुकसान पहुंचता। इन सब कारणों से मुसलमान जमीनी सच्चाइयों से दूर एक अलग लोक में जीते रहे। पढ़े लिखे मुसलमानों और मुस्लिम युवाओं को नए सिरे से सोचना होगा, नया विमर्श चलाना होगा और नई सोच का एक मुस्लिम समाज गढ़ना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि भावनाओं के ज्वार में बह जाने के बजाय अपनी जायज बातें रखने और उन्हें मनवा लेने के और रास्ते क्या हैं। ये बात मुसलमानों को समझनी ही होगी कि एक सेकुलर समाज में ही उनका भविष्य बेहतर है और रहेगा। इसीलिए उन्हें अपना नेतृत्व भी सेकुलर राजनीतिक ढांचे में ही देखना होगा और धार्मिक मुद्दों के बजाय अपने आर्थिक मुद्दों और सामाजिक सुधारों पर ही पूरा ध्यान लगाना होगा। ये बात तो आप भी जानते हैं कि इस देश में मुसलमानों को सियासी पार्टियों ने किस कदर सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया और पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे धार्मिक संगठनों ने उन्हें धर्म में उलझाए रखा, जिससे साल दर साल मुस्लिम समुदाय पिछड़ता गया। यही वजह है कि साल 2019 में जब पीएम मोदी दोबारा सत्ता में लौट कर आए तो उन्होंने यही कहा था कि हमें मुसलमानों के खिलाफ होने वाले छल में छेद करना होगा। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और
डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालों से मुसलमानों के खिलाफ होने वाले छल में छेद करने की बात करते रहे हैं, उसी देश में कुछ कट्टरपंथी मुसलमान इस कदर अराजकता फैला रहे हैं कि आगजनी और पत्थरबाजी करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और नुपुर शर्मा के माफी मांग लेने के बावजूद विरोध के नाम पर पूरे देश में तांडव मचा रहे हैं और हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे कट्टरपंथी मुसलमानों के एक बार वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी की बातों को जरूर सुनना समझना चाहिए। बहरहाल मुसलमानों को वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने जो सलाह दी है उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।